नमस्कार, सत्यहिंदी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होंगी शामिल। मोदी को पत्र लिखकर कहा, पहले मैंने शपथ ग्रहण में जाने का फैसला किया था, लेकिन मीडिया में बीजेपी लगातार ये कह रही है कि बंगाल में 54 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जबकि ये सरासर झूठ है, इसलिए मैं शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाऊंगी। अरुण जेटली नहीं बनेंगे मोदी कैबिनेट में मंत्री। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा, मुझे मंत्री बनाने पर ना किया जाए विचार, खराब सेहत का दिया हवाला। बोले, 18 महीने से है मेरी सेहत खराब, नहीं निभा पाऊंगा मंत्री पद की जिम्मेदारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा, वो कल राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात, जिसमें वो राहुल गांधी को इस्तीफा ना देने के लिए समझाएंगे। पांचवीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक, 21 मंत्रियों ने मिली शपथ, 5 मार्च 2000 से बने हुए हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, दोनों ही नेता लोकसभा चुनाव जीतकर आए हैं, ऐसे में वो किसी एक ही सदन का सदस्य रह सकते हैं। इसके अलावा डीएमके नेता कनिमोजी ने भी राज्यसभा से दिया इस्तीफा। सावरकर जयंती पर हिंदू महासभा ने स्कूली छात्रों को बांटे चाकू, प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा कि सावरकर का सपना था राजनीति का हिंदूकरण, हिंदुओं का सैनिकीकरण। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीतकर मोदी ने सावरकर का आधा सपना पूरा कर दिया है और अब वे चाकू बांटकर सावरकर का बाकी सपना पूरा कर रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 20 पहुंची। पुलिस ने अब तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है। डॉक्टर पायल ताडाबी आत्महत्या केस में सभी 3 अभियुक्त डॉक्टर गिरफ्तार, 31 मई तक भेजी गई पुलिस हिरासत में। पायल ताडाबी ने 22 मई को अपने सहयोगी डॉक्टरों द्वारा रैगिंग और जातीय टिप्पणी करने के बाद आत्महत्या कर ली थी, लेकिन वकील ने आरोप लगाया है कि पायल की हत्या करके फांसी पर लटका दिया गया था। रॉयटर्स के पत्रकार वालून और क्वाय सोय ओ को मिला पुलित्जर पुरस्कार, म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग करने के लिए मिला पुरस्कार। इन दोनों पत्रकारों को सितंबर 2017 में रोहिंग्या कैंप में सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर रिपोर्टिंग करने के लिए म्यांमार सरकार ने सुनाई थी 10-10 साल की सजा। इसके बाद दोनों पत्रकारों को 500 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 247.68 अंकों की गिरावट के साथ 39,502 पर रहा, तो निफ्टी भी 66.80 अंक फिसल कर 11,861.95 पर हुआ बंद। कॉमेडी फिल्म में पहली बार एक साथ नजर आएंगे दिलजीत दोसांझ और यामी गौतम। हेराफेरी और भूल भुलैया के स्क्रीन प्ले राइटर नीरज वोरा की लिखी आखिरी फिल्मों में से एक है ये फिल्म, जिनका 2017 में निधन हो गया था। उन्होंने विभा सिंह और अरशद सैयद के साथ लिखी थी स्क्रिप्ट। गुरुवार को शुरू हो रहा है क्रिकेट विश्व कप, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच 3 बजे से खेला जाएगा पहला मैच। दोनों ही टीमों ने आज तक नहीं जीता है विश्व कप टूर्नामेंट। अब तक की खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।